रिया की ड्रग डीलर के साथ बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें रिया एमडी ड्रग्स की मांग कर रही थी। सुशांत केस में सीबीआई लगातार 6 दिन सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। 6 दिन से महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंची। मध्य प्रदेश के देवास में 3 मंजिला एक इमारत गिर गई। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने न्यूज 18 से बातचीत में दाऊद के कराची में होने की बात से किया इनकार। दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबर पर राशिद अलवी ने केंद्र सरकार को घेरा और सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह दी। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,059 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 59,449 हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,544 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। जीएसटी और एनईईटी परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस चिट्ठे विवाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद से सोनिया और राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, अपने कुछ सुझाव भी दिए। राहुल के तंज पर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगा। सूत्रों के हवाले से खबर की संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। केरल के कोशिकोड में सचिवालय में आग लगने का विरोध कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। भोपाल में सीएम शिवराज ने बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मनीष के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। देश में कोरोना के कुल मामले अब 32,34,000 के पार पहुंचे। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। मनाली में होटल एसोसिएशन ने फैसला किया कि 1 अक्टूबर से वहां पर्यटकों के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए होटल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली हिंसा पर विधानसभा की समिति फेसबुक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेजेगी, जिसमें इस हिंसा के दौरान कुछ विवादास्पद वीडियो न हटाने पर फेसबुक से जवाब मांगा जाएगा। अमेरिका के ऑर्गन में लगी आग को बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर पायलट की हादसे में मौत हो गई। लखनऊ के पास काकोरी में 2 बसों में टक्कर, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। यूपी के बरेली में एक टीवी अभिनेत्री ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई। पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से मान्यता प्राप्त पत्रकार की मौत होने पर 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला लिया। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन प्रचार अभियान चलाएगी और 6 सितंबर से सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में काम पर लौटे प्रवासी मजदूरों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। यूपी में कोरोना संकट की वजह से पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नगर निगम ने डेंगू जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी पर डेंगू की दवाई खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत 1,200 रुपए तय कर दी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए केस सामने आए। बिहार सरकार ने 10 IAS और 8 PCS अधिकारियों का तबादला किया, जबकि IAS घनश्याम मीना को उत्तर प्रदेश कैडर भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एनजीटी ने 6 महीने के अंदर देश भर में हवा की क्वालिटी मापने वाले 175 स्टेशन लगाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। जयपुर पुलिस ने 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया। झारखंड के पोड़ाहाट में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के लगाए एक बम को कर दिया नाकाम। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन चलने वाला जो सत्र है वो 7 सितंबर से शुरू होगा और इसके लिए सभी विधायकों को 1 दिन पहले अपनी कोरोना जांच करवानी होगी। वैष्णो देवी में आज से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। झारखंड के चक्रधरपुर में एक देसी बम धमाके में एक आदमी जख्मी हो गया। नेपाल के रेलवे कर्मचारी को भारत के 26 अधिकारी वहां ट्रेनिंग देंगे। मुंबई के एक सामाजिक संगठन ने सुशांत सिंह राजपूत को पद्म भूषण अवार्ड देने की मांग की। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई। जम्मू कश्मीर की रियासी में जमीन खिसकने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के ICU में आग लग गई, जिसके बाद खिड़की तोड़कर मरीजों को निकाला गया बाहर। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने JEE और NEET मामले में केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की।
नागालैंड में डॉक्टरों की एसोसिएशन ने पुलिस पर कुछ डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया और इसके विरोध में मेडिकल सेवाएं बंद रखी। कोरोना के खतरे की वजह से पुडुचेरी में कुछ दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू लगाया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना के खतरे की वजह से एनईईटी और जेईई परीक्षा टालने की मांग उठाई। पाकिस्तान के हैकर्स ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की निजी वेबसाइट हैक कर दी, जिसके बाद उसे ठीक कर दिया गया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को कोरोना के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट में केंद्र पर पूरी मदद नहीं देने का आरोप लगाया। 1 सितंबर से मिजोरम विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में लगी आग पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। मणिपुर सरकार ने भीड़ जुटाने पर जुर्माना 10,000 जबकि मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना तय किया। असम के गायक बाबू बरुआ समेत कई कलाकार गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब कैबिनेट ने तरनतारण में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कर्नाटक में मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर चंद्र गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। राजस्थान विधानसभा में मदरसा बोर्ड विधेयक पास हुआ, जिसके बाद राज्य के मदरसों में कई बुनियादी सुधार लाए जाएंगे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी मामले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच करने वाले बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों को भेजा सम्मन। इटली की राजधानी रोम में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने कम कर्मचारियों और बचाव के साधनों की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में टीचर भी शामिल हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रक और गाड़ी की टक्कर में 10 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। सीरिया के पीएम ने अरब गैस पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद उस जगह का दौरा किया और इसे आतंकी साजिश करार दिया। यूएन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के 10,000 से ज्यादा आतंकी होने का दावा किया। इंडोनेशिया में कोरोना के खतरे की वजह से बाली द्वीप को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की कोयला खदान में फंसे कुछ मजदूरों को 5 दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना के मामले बढ़ गए, जिसके बाद सभी स्कूलों को दोबारा बंद करने का फैसला हुआ। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ पड़ोसी देश लिथुआनिया में भी विरोध शुरू हुआ। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में सेना के कैंप के पास धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत, 41 लोग जख्मी हो गए। दावा कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावालनी को जहर दिया गया था, यह बात जर्मनी के उस अस्पताल ने कही जहां एलेक्सी का इलाज जारी है। स्पेन की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना को उतारने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमले के मामले में आरोपी ब्रेटन टॉरेंट की सजा पर हुई सुनवाई, जो 4 दिनों तक चलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा सरकार के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में हवाई के पास प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लॉन्च की। चीन ने आरोप लगाया कि बिना इजाजत अमेरिकी वायुसेना का विमान उनके इलाके में घुसा। न्यूजीलैंड में कोरोना के 5 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 134 हुआ। स्वीडन में 3,700 कोरोना पॉजिटिव के बाद स्वास्थ्य निकलने पर स्वीडन ने चीन से मंगाए खराब कोरोना टेस्ट किट पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ा दिया। अब इच्छुक कंपनियां 30 अक्टूबर तक बोली जमा कर सकेंगी। भारतीय दवा कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही फेविपिरिविर दवा की 2 गोलियों को लॉन्च किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आईपीएल से जुड़े बड़े अधिकारी भी दुबई पहुंचे, जो इसी हफ्ते टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी करेंगे। दुबई में शुरू हो रहे आईपीएल के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, जो टूर्नामेंट में खेल रहे 50 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट के लिए सैंपल लेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रायन हैरिस को दिल्ली कैपिटल्स टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया। बेल्जियम में 11 सितंबर को फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखने की इजाजत दे दी गई। वेस्टर्न सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना कनाडा के अपने जोड़ीदार के साथ पहले ही दौर में हार से बाहर हो गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सर्दन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत के साथ की शुरुआत। उन्होंने लिथुआनिया के रिचर्ड्स बैरंकिस को मात दी। क्रिकेटर क्रिस गेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद वो जल्द ही यूएई में आईपीएल में होंगे शामिल। खबर है कि संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिल गया, जिसके बाद वो जल्द ही इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपनी बेटी के डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि वायरल हुआ। एक्टर सोनू सूद ने ऑनलाइन क्लास के लिए हरियाणा के मोरनी में बच्चों को मोबाइल फोन बंटवाया।